झंडा पूरे राज्य में लहराया तो जोरदार ताली आप श्री कुशवंत शर्मा जी के लिए, साथ ही साथ उनकी माता देवव्रत देवी जी के लिए जिन्होंने छोटी सी मजबूरी करके अपनी बेटी को जो पढ़ा रखा है, बेटी नाम रोशन कर रही है। और मैं आनंदित, नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरनेशन। बिहार के बेतिया में भाग्यलक्ष्मी महिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि बिहार सरकार के 23 तरार मंत्री लेसी सिंह ने भी शिरकत किया। यह तस्वीरें उस वक्त की है जब कार्यक्रम में लेसी सिंह शिरकत कर रही हैं, महिलाओं का सम्मान बढ़ा रही है। और देखिए किस तरीके से आम का पौधा जो है वो लेसी सिंह ने वहां पर मौजूद सभी महिलाओं या कहें कि लड़कियों को भी दिया और साथ ही शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस दौरान लेसी सिंह ने बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के पक्ष में या कहें कि महिलाओं के विकास में कार्य में करने में जितनी भी योजनाएं हैं उस पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में वैसी महिलाओं ने शिरकत किया पंचायती राज व्यवस्था में जिन महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है, और इस लाभ के तहत विभिन्न विभिन्न पदों पर महिलाएं कार्य कर रही हैं वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया। जिन लड़कियों को साइकिल योजना का लाभ मिला उन लड़कियों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत किया। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिन महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ मिला है वो भी महिलाओं ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं का सम्मान किया गया, शॉल उड़ाए गए, आम के पौधे दिए गए। और इस दौरान लेसी सिंह बता रही हैं किस तरीके से बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिसका नतीजा यह रहा है कि बिहार में महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। आगे अब वीडियो में देखिए क्या कुछ कह रही हैं बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह। कपड़े की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बालिका पोशाक योजना लागू की, जिससे आज स्कूल में चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गी हो, सभी प्रकार की जो हमारी सभी प्रकार से जो हमारे आने वाली बेटियां हैं वो एक ड्रेस में दिखती है। उनके मन में ये भाव, अच्छा भाव पैदा होता है कि सभी जो हमारी गाँवें हैं एक ड्रेस में है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं, सभी बराबर। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बेटियों के, हमारी बेटियां आगे बढ़े। वहीं कई योजनाएं चलाई गई है, छात्रवृत्ति योजना है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बालिका साइकिल योजना लागू की, जिससे आज हाई स्कूलों में लड़के के बराबर लड़की की उपस्थिति हो गई। ये है परिवर्तन, इतना काम हो रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के आभारी हैं। और वही जो हमारे बच्चियां उनके लिए प्रोत्साहन है, जो ग्रेजुएट करती है लेकिन जो अविवाहित है उनके लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, इससे आगे की पढ़ाई में हमारी बच्चियों को सहूलियत हो रही है, इसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था कर रखी है। ये सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। वही आपका इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में 33% हमारी महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आरक्षित किया गया है। यदि हम लोग यहाँ गिनती गिनाएंगे तो लगता है 2-4 घंटा में भी नहीं हो पाएगा। इतनी स्कीम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए चलाई जा रही है कि हमारे हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं जो आदि आबादी की हिस्सेदार है, उनका कैसे सर्वांगीण विकास, हर स्तर पर विकास, चाहे शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, हर स्तर पर कैसे विकास, इसके लिए मुकम्मल व्यवस्था हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर रखी है। यह लेसी सिंह जो साफ तौर पर बिहार सरकार की योजनाएं गिना रही हैं और ये बता रही हैं कैसे और किस तरीके से महिलाओं के उत्थान का कार्य जो है वो सरकार के द्वारा
किया जा रहा है। वहीं पर इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही महिलाओं ने भी आभार प्रकट किया है मंत्री महोदय का और साथ ही बिहार सरकार का, क्योंकि बिहार सरकार की योजनाओं का लाभ कहीं ना कहीं उन्हें मिला है, जिसका ये असर रहा है कि वो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। कार्यक्रम में शिरकत करने वाली महिलाओं का भी बयान सुनिए। मेरा नाम अनामिका कुमारी गुप्ता है, मैंने इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मैं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रबंध किए हैं, व्यवस्था की है। और मंत्री लूसी सिंह जो आके हम लोग का मान सम्मान की है, वो खुद एक महिला होके हम लोग को प्रोत्साहित किए हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबका नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने आज हमारा बहुत बहुत प्रोत्साहित किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा आके सम्मान किया और हमें प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं पश्चिम चंपारण से हूँ, आल एस आई कॉलेज। मैं रजिया तबस्सुम, सरपंच मलाही बलुआ पंचायत प्रखंड बैरिया से हूँ और मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज उन्होंने हम महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है। आज उसी का देन है कि आज मुझे ये सम्मान माननीय मंत्री जी के द्वारा मिला है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण पर जो जोर दिया है, जिसको बढ़ावा दिया है, जिसके चलते आज हम महिलाएं पुरुषों से कोई कम नहीं है। हर क्षेत्र में हम महिलाएं अपना काम करिए, पंचायत में जिस स्तर का भी काम हो, सरकार की जो भी सात निश्चय योजना है, जिस तरह जो भी सरकार का जो काम वो हम लोग धरातल पे कर रहे हैं और हम महिलाओं को सराहा भी जा रहा है। और ये सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है कि आज हम लोग इतने अच्छे से अपने पंचायत में कार्य कर रहे हैं कि आज हम हमारे कार्यों को पंचायत स्तर ही नहीं, जिला स्तर पर भी आज हम लोग के कामों को सराहा गया। इसके लिए एक बार फिर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम अनामिका कुमारी गुप्ता है, मैंने इस बार डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। मैं शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे शिक्षा के लिए बहुत सारे प्रबंध किए हैं, व्यवस्था की है। और मंत्री लूसी सिंह जो आके हम लोग का मान सम्मान की है, वो खुद एक महिला होके हम लोग को प्रोत्साहित किए हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने माता पिता के लिए, सबका नाम रोशन कर सकते हैं। उन्होंने आज हमारा बहुत बहुत प्रोत्साहित किया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और उनको आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमारा आके सम्मान किया और हमें प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दिया है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं? मैं पश्चिम चंपारण से हूँ, आल एस आई कॉलेज। कुल मिला कहें कि बेतिया में भाग्यलक्ष्मी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि महिलाओं को सम्मानित किया गया, जो ऐसी महिलाएं जो कि सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अब आगे विकास की राह पर बढ़ रही हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।